Today we are going to learn the shape that is circle. It's very 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 important circle. Circle किसे कहा जाता है? हम देख सकते हैं कि हमारे घर में जो कॉइन होता है, पैसा होता है, वो भी एक सर्कल का शेप का होता है. उसके बाद जो बैंगल होती है मम्मी की चूड़ियाँ, वो भी सर्कुलर सर्कल शेप का होता है. या फिर ये ढक्कन देखो, ये ढक्कन ऊपर का जो ऊपर, ये भी सर्कल शेप का. सो दिस आर द शेप दैट इज सर्कल. ओके, कौन से सर्कल शेप का होता है. ओके, अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम तकरीबन ज्योमेट्री का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, दैट इज द दिस इज कॉल्ड कंपास. ओके, यहाँ पे आप पेंसिल डालिए. ओके, और इसके लेवल बिल्कुल मैच कीजिए कि ये सेम लेवल पे है पेंसिल और इसका ये टिप. और इसको या फिर आप ऐसे रख सकते हैं, रख के भी देख सकते हैं, और उसके बाद ये टाइट कर लीजिए और देखिए कि ये सेम है क्या नहीं. ओके, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, आप जैसे मैं आपको निकाल के बता दूँ, सर्कल सर्कल निकालने के लिए ये टिप यहाँ पे रखिए और इसको इसको पकड़ के ऐसे घुमाइए. और याद रखें, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा आपको, एक ही बार में नहीं आएगा. सो आपको ऐसा रख के ये थोड़ा सा प्रेस करके आपको ऐसी पेंसिल घुमानी है. ओके, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा. नेक्स्ट, सर्कल निकालने के बाद, जैसे मैंने ये सर्कल निकाला, सर्कल की कुछ चीज़ें हम सीखेंगे. ये होता है सेंटर, हमें पता है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, सेंटर है. यहाँ से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ को टच हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, इसको नाम दिया मैंने एम. सो इसको कहेंगे हम रेडियस. क्या कहेंगे? रेडियस ओ एम. और सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? ओ. इसको कहेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल. क्या कहेंगे? रेडियस. अगर मैंने यहाँ से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और सेंटर में से होकर वो अगर इसको टच किया, इसको मैं नाम दूंगा ए और बी, ए एंड बी, तो इसको कहेंगे हम डायमीटर. क्या कहेंगे हमें? डायमीटर ए बी. डायमीटर ए टू बी. पर डायमीटर हमेशा याद रखना, डायमीटर ये सेंटर से ही जाएगी, ना इस यहाँ से जाएगी ना यहाँ से जाएगी. अगर सेंटर से जाएगी उसे ही हम डायमीटर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज, अब इफ आई ड्रॉ द लाइन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. ओके, तो इसको नाम दूँ मैं पी क्यू. पर ये सेंटर से नहीं जा रही है, सेंटर से नहीं जा रही, तो इसको कहेंगे हम कॉर्ड, नॉट चॉर्ड, इट्स कॉर्ड, सी एच ओ आर डी, कॉर्ड पी क्यू. क्या कहेंगे हम इसे? कॉर्ड पी क्यू के, पी क्यू कहेंगे. ओके, तो ये यही दिस द पॉइंट, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड. अगर कोई लाइन सेंटर से जाती है और दूसरे पॉइंट को, दूसरे इनको टच करती है, डैट इज डायमीटर. अगर कोई लाइन यहाँ से निकल के बस सेंटर से निकल के बस सरकमफेरेंस को टच करती है, दिस इज सरकमफेरेंस. इसे कहा जाता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस. इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी आई आर सी यू एम एफ ई आर ई एन सी, सरकमफेरेंस. इसको कहा जाता है, ये पूरे इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस. तो अगर सेंटर से सरकमफेरेंस को लाइन जो ड्रॉ होती है तो उसे कहा जाता है रेडियस. और जो बीच वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम चॉप रख के ऐसे घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सबका मध्य बिंदु. इस पूरी चीज़ का मतलब अगर यहाँ से कितना भी डिस्टेंस लो तो सेम आएगा. सो दिस इज रेडियस, दिस इज डायमीटर, दिस इज कॉर्ड. ओके, दिस इज सरकमफेरेंस एंड दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल. नेक्स्ट, मैं यहाँ पे सेंटर मतलब यहाँ पे एक रेडियस बनाता हूँ. ओके, ओ एम, और यहाँ पे एक डायमीटर बनाता हूँ.
ए बी, दिस इज रेडियस एंड दिस इज डायमीटर। तो देखिए इसका एक फार्मूला है रेडियस निकालने का। अगर हमें रेडियस निकालना है रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब डायमीटर जितनी की होगी उसका हाफ आ रेडियस होगा। अगर डायमीटर ये पूरी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर होगी तो रेडियस कितना होगा उसका आधा, मतलब बाई टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर। सो अगर ये होगा 12 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर होगी 12 तो इसका हाफ कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितने की होगी 6 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियस ये हमेशा डायमीटर का आधा होता है। रेडियस क्या होती है, छोटी होती है, तो डायमीटर जितना का होता है उसका आधा रेडियस हो गया। तो इसका फार्मूला आएगा रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय टू। ओके, और अगर डायमीटर निकालना है तो डायमीटर निकालने के लिए रेडियस इंटू टू किया जाता है। अगर हमें अब डायमीटर निकालना है और रेडियस दी है, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर की लेंथ ही है, तो डायमीटर कितने की होगी, तो इसका दुगना 8 into 2, 8 to 16, तो 16 सेंटीमीटर की रेडियस हुई। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फार्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसी बेसिस पे आगे के सम हमें करना है। सो मूविंग टू द एक्सरसाइज 8.3, सो नाउ एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर 129। सो एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल हैज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब अगर एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, अगर ये सर्कल ड्रॉ किया, अगर यहाँ पे कौन सा भी पॉइंट दिया तो ये सेम डिस्टेंस पे रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा। कहाँ से, यहाँ से। सो पर इसे क्या बोलते हैं, सेंटर। सो इसे कहेंगे सेंटर, तो यहाँ पे आएगा सेंटर। ओके, नेक्स्ट, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट क्वाड। देखिए इसे कहते हैं डायमीटर। ओके, इसे कहेंगे क्वाड, पर अगर मैं ये क्वाड को यहाँ सरकाऊँ तो थोड़ी सी बड़ी होंगी, पर यहाँ और यहाँ सर को सेंटर से डालूंगा तो और बड़ी होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डायमीटर, यस डायमीटर इज इक्वल टू क्वाड, डायमीटर इज इक्वल टू क्वाड। ओके, और सबसे बड़ा क्वाड कौन सा होता है, अगर यहाँ से क्वाड, क्वाड किसे बोलते हैं जो सेंटर से नहीं जाता, सेंटर से नहीं जाता, बट डायमीटर सेंटर से जाता है। तो अगर सबसे बड़ा क्वाड कौन सा कहेंगे जो सेंटर से जाता है, तो सबसे बड़ा क्वाड कौन सा होगा, डायमीटर। तो डायमीटर ये सबसे बड़ा क्वाड है। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट क्वाड। क्वाड में से जितने भी क्वाड्स बनाएंगे आप, जितने भी क्वाड बनाएंगे उससे सबसे बड़ा क्वाड कौन सा रहेगा, ये डायमीटर रहेगा, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है और सबसे बड़ा रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। मैंने अभी कहा था लेंथ ऑफ बाउंड्री, सो ये जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं हम, सर्कमफेरेंस, इसको कहेंगे सर्कमफेरेंस। तो आप यहाँ पे लिखिए CIRCUMFERENCE, सर्कमफेरेंस। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, फॉर्मूला मैंने अभी बताया। डायमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए क्या लगता है, 2 into radius। वॉट इज इट, 2 into radius ऑफ दैट। द सर्कल हैज कितने सेंटर होते सर्कल को, 1। सो ओनली यहाँ पे आएगा 1। सो यहाँ पे फिगर है, इन दिस फिगर गिवन बिलो नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सर्कल है, ओके सर्कल से, तो इसमें क्या कौन से क्या है, हम बस एक फिगर में बताता हूँ। सो ये फिगर है, तो इस फिगर में हमें बताना है सेंटर कौन सा, विच इज सेंटर दिस। तो सेंटर क्या है, ओ, उसके बाद रेडियस, रेडियस कौन सा है, दिस, जो हाफ है।
जो सेंटर से निकल के सरकम पर टॉस करते हैं उसे रेडियस कहते हैं। सो व्हाट इज रेडियस? ओ आर। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर जो सेंटर से पास होता है, सेंटर से कौन सा जा रहा है ये, कौन सा है डायमीटर? पी क्यू, दिस इज पी क्यू। उसके बाद क्वाड, सी एच ओ आर डी, क्वाड कौन सा है जो सेंटर से नहीं जाता पर सर्कमफेरेंस को टच होता है एक पॉइंट से दूसरे। सो व्हाट इज दिस? एम एन। सो दिस इज वी हैव सॉल्व। सो सेंटर है, सेंटर है ओ, रेडियस है ओ आर, तो हम इसे भी कह सकते हैं रेडियस, ये भी हो सकता है, ओ पी भी एक रेडियस हो सकता है, ओ क्यू भी रेडियस होता है, क्योंकि रेडियस तो ये डायमीटर का हाफ होता है ना, तो ओ पी भी एक रेडियस है, ओ क्यू भी एक रेडियस है, ऐसा भी कर सकते हैं, ओ पी एंड ओ क्यू भी एक रेडियस ही है। ओके, तो जिस हिसाब से रेडियस क्वाड एम एन, क्वाड एम एन ये रेडी क्वाड है, और उसके बाद डायमीटर पी क्यू। सो इस फिगर में आप देखिए कि कौन सा क्या है। नेक्स्ट, यहाँ पे इन दिस फिगर गिवन बिलो की ड्रॉ द रेडियस, यहाँ पे आप सर्कल दिया है, तो उन्होंने कहा कि रेडियस ए एक्स बनाओ, क्वाड पी क्यू बनाओ एंड डायमीटर एम एन बनाओ। चलो बनाते हैं, रेडियस क्या है ए एक्स, तो ए से ए सेंटर होगा, एक्स यहाँ पे नहीं, तो मैंने यहाँ पे रेडियस बना दी ए एक्स। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पी क्यू बना एक क्वाड पर सेंटर से नहीं जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक क्वाड बनाता हूँ पी क्यू, और क्या बोला है एम एन डायमीटर, तो मैं यहाँ से डायमीटर बनाता हूँ एम एन, हो गया। तो इस तरह मैंने ये बनाया, तो आप भी इस फिगर को आप ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सर्कल आर गिवन, फाइंड द करस्पॉन्डिंग डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रेडियस दी है, देखिए रेडियस दी है, सो रेडियस इज गिवन 12 सेंटीमीटर। अब डायमीटर निकालना है हमें, डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। सो 2 रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, और 12 टू जा यस 24 सेंटीमीटर डायमीटर। सो इस तरह आपको लिखना है, ओके, और इसको ऐसा बॉक्स करना है निकालने के बाद। सो ये हो गया क्वेश्चन 1। सो इसी तरह आपको हर अलग अलग रेडियस दिया है 14, 25, 1500, तो इसको बस मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाइए और डायमीटर निकालिए। नेक्स्ट है, अब आपको डायमीटर दिया है, रेडियस निकालना, ओके, तो रेडियस डायमीटर का भी फार्मूला हमें पता है, डायमीटर इज गिवन, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। रेडियस का फार्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। डायमीटर क्या है 12 एंड 12, 2, 12 बाय 2 मतलब 2 को अगर 12 से डिवाइड किया तो क्या आता है 6, तो है आंसर 6, 6 इज द रेडियस। तो इस तरह हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, तो इसी तरह आपको बाकी सब भी निकालने हैं, 12, 10, 18, 16, 20 दिए हैं रेडियस, आपको निकालना है क्या रेडियस। उसके बाद ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायमीटर एंड टू रेडियस, तो इसको आपको यहाँ पे इस फिगर में दिया है डायमीटर कौन सा है। अगर एक फिगर, पहली फिगर बताता हूँ, ओ ई एंड बी, यहाँ पे डायमीटर कौन सा है, यस हमें दिख रहा है डायमीटर ए बी, डायमीटर क्या है ए बी है। रेडियस कौन सा है यहाँ पे, ओ ए एंड ओ बी, रेडियस कौन से हुए, ओ ए एंड ओ बी। सो इसी तरह आप इन दोनों फिगर में भी फाइंड कीजिए कि डायमीटर कौन सा है, रेडियस कौन सा है, इट्स वेरी इजी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ व्हील इज 100 सेंटीमीटर, व्हील की डायमीटर 100 सेंटीमीटर, रेडियस की निकालना है, तो आप ये जरूर निकालिए, ये इसी प्रॉब्लम जैसा है, रेडियस डायमीटर दिया है, रेडियस फाइंड करना है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.3। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो एक्सरसाइज रिवाइज करके फिर से देखिएगा। ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।